कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है। इस बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही हमें आगाह कर चुकी है। उन्होंने कही थी, मेरे और कयामत की फासला मेरे ये दो उंगलियों की तरह है, यानी मेरे बाद दुनिया में सबसे बड़ी घटना ही है कयामत। कयामत कब होगी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानती है, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी पूर्वानुमान या कयामत की पहले की कुछ अलामत के बारे में बताई है। ये सब अलामत दो प्रकार में है। पहले कुछ छोटी छोटी अलामत आएगी जो 100 से भी ज़्यादा है, उसके बाद कयामत की बड़ी अलामत आना शुरू हो जाएगी। इस बार में सही मुस्लिम की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 10 अलामत आने के पहले कयामत नहीं होगी। चलिए जानते हैं इस 10 अलामत के बारे में। पहला, बहुत बड़ी आकार में धुआं दिखाई देगी दुनिया में कयामत से पहले, और ये धुआं दुनिया की इतिहास में एक बड़ी घटना होगी। दूसरी जो बड़ी घटना होगी वह है दज्जाल का आना, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करेगी। तीसरा, चमत्कारी ढंग से दब्बतुल अर्थ नाम की एक जीव दिखाई देगी और ये जीव इंसानों से बात करेगी। चौथी अलामत है ईसा अलैहि वसल्लम का आसमान से उतर आना। पांचवी बड़ी अलामत है याजूज मजूज संप्रदाय का निकल आना। छठी जो घटना घटेगी वह है एक बड़ी आकार की भूकंप होगी दुनिया की पूर्वी छोर पर। सातवीं अलामत है दुनिया की बीचों बीच यानी अरब देशों में एक भूस्खलन होगी। आठवीं अलामत है और एक भूकंप होगी दुनिया की पश्चिमी छोर पर। नौवीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से निकलेगी। दसवीं और आखिर में एक तरह की आँख की लपटें प्रकट होगी जो इंसानों को धकेल के मैदान हशर में इकट्ठा करेगी। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कयामत कब होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने इसके लिए क्या तैयारी की है? इस हदीस से पता चलता है कयामत कब होगी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके आने से पहले हमने उसके लिए कितना तैयारी की है। अल्लाह ताला हम सबको कयामत से पहले की हर तरह की फितनों से हमारे ईमानों को हिफाजत करे।